तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, सोर्स कोड लिखा। जब आप सोर्स कोड लिख देंगे तो ऑब्वियसली बात है सोर्स कोड हम हमारी लैंग्वेज में लिखेंगे, मतलब जिस लैंग्वेज में सी के सोर्स कोड लिखे जाते हैं, एंड दैट इज इन इंग्लिश। कि हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो इंग्लिश में लिखेंगे, जो भी कमांड लिखेंगे वो इंग्लिश में लिखेंगे। सी आउट, सीन, मेन, इंट, फ्लोट, फॉर, वाइल, डू, क्लास, ओके। लेकिन जब ये सोर्स कोड आप लिखेंगे तो इस सोर्स कोड को नेक्स्ट स्टेप में मुझे कन्वर्ट करना है उस कोड में जो सिस्टम समझता है, क्योंकि आपके कोड का एग्जीक्यूशन कौन करेगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट अ कंप्यूटर सिस्टम। तो मुझे इस सोर्स कोड को नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट करने के लिए यहां पर मेरी रिक्वायरमेंट होगी एक ट्रांसलेटर की, ठीक। तो C++ जिस ट्रांसलेटर को यूज करता है कोड कन्वर्जन के लिए, वो ट्रांसलेटर कहलाता है कंपाइलर, दैट इज कॉल्ड अ कंपाइलर। तो अभी मैं नेक्स्ट बात करने वाले हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है, तब मैं आपको कंपाइलर की पूरी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि जब भी किसी लैंग्वेज में हम कोड लिखते हैं, फॉर अभी हम C++ की ही बात करते हैं, यदि मैंने C++ में सोर्स कोड लिखा है तो इस सोर्स कोड को ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट है। एंड देयर आर मेनी ट्रांसलेटर्स आर देयर, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, ओके। लेकिन C++ जिस ट्रांसलेटर को यूज करता है वो है कंपाइलर। तो जब ये कोड हम कंपाइलर को देंगे तो कंपाइलर इस सोर्स कोड को ट्रांसलेट करेगा किस कोड में, मशीन कोड में। सोर्स कोड ट्रांसलेट होगा मशीन कोड में, और जब ये सोर्स कोड मशीन कोड में ट्रांसलेट होगा तो ऑटोमेटिकली अपने आप, आप नहीं बनाएंगे, ऑटोमेटिकली एक फाइल बनेगी जिसका नाम यही होगा फर्स्ट, लेकिन इस फाइल का एक्सटेंशन होगा .obj, रिमेंबर .obj। तो ये ओबीजे फाइल कब क्रिएट होती है, जब आपका प्रोग्राम कंपाइलर कंपाइल करता है। तो स्टेप वन पे आपको क्या करना है, सबसे पहले सोर्स कोड लिखना है। ये कंपाइल कैसे होगा, उसकी कमांड क्या है, ये सारी बातें करेंगे जिस समय हम प्रोग्रामिंग सिस्टम पे टाइप करेंगे, ओके। लेकिन यहां पर आप पहले समझिए कि जब आपने सोर्स कोड लिखा तो मुझे नेक्स्ट स्टेप में सोर्स कोड को क्या करना है, कंपाइल। जब ये कंपाइल होगा तो ये पूरा का पूरा सोर्स कोड ट्रांसलेट होगा मशीन कोड में, और मशीन कोड ट्रांसलेशन के बाद एक फाइल क्रिएट होगी जिसका नाम होगा, नाम वही होगा फर्स्ट, लेकिन एक्सटेंशन होगा .obj। और ये वो फाइल है जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट फाइल है, ये ना यूजर की फाइल है ना डेवलपर की फाइल है, ये सिस्टम की फाइल है, ओके। अब इस मशीन कोड को नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस मशीन कोड को नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे रन, और जब ये रन होगा तब आपका प्रोग्राम डिस्प्ले करेगा आउटपुट, और प्रोग्राम का आउटपुट जिस फाइल में स्टोर होगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल, नाम इसका भी फर्स्ट होगा लेकिन एक्सटेंशन होगा .exe, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये exe वो फाइल्स होती है जिसमें C++ के प्रोग्राम का आउटपुट होता है, ठीक है। तो आप समझिए, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं यूजर हूं, अब आपको मैंने ऑफर दिया कि यार मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप बताएं मुझे कौन सी फाइल देंगे, आप मुझे सोर्स कोड देंगे, आप मुझे मशीन कोड देंगे, या आप मुझे exe फाइल देंगे। ऑब्वियसली बात है exe फाइल। तो ये exe वो फाइल होती है जो यूजर की रिक्वायरमेंट की फाइल है, कि जिसको यूजर क्लिक करेगा तो उसको इस प्रोग्राम का आउटपुट मिल जाएगा, और उसको आउटपुट से ही मतलब है। एंड सी देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम रन इन योर कंप्यूटर विद एन exe फाइल।